ऑडियो से नॉइस किस तरह से आप रिमूव करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले ऑडासिटी नाम का एक सॉफ्टवेयर है, फ्री में आपको नेट पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर उसको डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल किया है, मैंने उसको ओपन कर लिया और जो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया मोबाइल से उसको मैं यहाँ से कॉपी करके उसको उठा के मैं ऑडासिटी में लेके जा रहा हूँ। तो मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, उसके बाद में मुझे क्या करना है, इसको सुनना है और इसमें जो बीच का जो स्पेस है उसको मुझे सेलेक्ट करना है। जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो उसके बाद फिर ऑल सेलेक्ट करने के बाद में मुझे इफेक्ट में जाना है और नॉर्मलाइज करना है इसको, क्योंकि नॉर्मलाइज करने के बाद में इसका ओरिजिनल ऑडियो आएगा, इसका वैल्यू ऑडियो का जो वैल्यूम है वो बढ़ जाएगा। और बाद में क्या करना है मुझे, जहाँ पर मैंने बात नहीं की है फ्री पे से उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया मैंने, बाद में फिर मुझे यहाँ पे जाना है नॉइज नॉइज रिमूवर। तो नॉइज रिमूवर में आने के बाद में मुझे यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ उसको गेट नॉइस क्लिक करना है। बाद में फिर से मुझे ऑल सेलेक्ट करना है और फिर नॉइस रिमूवर में जाकर मुझे ओके कर देना है। जैसे मैं नॉइस रिमूवर कर दूंगा तो ये इसमें का जो भी नॉइस होगा वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। चेक करते हैं, ठीक है। चेक करने के बाद में यहाँ पर पूरा ऑडियो क्लियर आ चुका है, मेरा पूरा नॉइस रिड्यूस हो चुका है यहाँ से। अब मैं उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर जाना होगा एक्सपोर्ट के लिए न्यू में फाइल में जो है, तो यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट में जा रहा हूँ। यहाँ पर एक्सपोर्ट में जाने के बाद में यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया उसका नेम और एक्सपोर्ट कर दिया है उसको। जैसे ही एक्सपोर्ट होने के बाद में आपने जो भी फोल्डर का लोकेशन दिया है उस फोल्डर में इसका एक्सपोर्ट वर्जन आ जाएगा। एक्सपोर्ट आने के बाद में वो फाइल को आपको लेके जाना है एक्टिव प्रेस पर और उसको यूज़ करना है।